बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमामुद्दीन जानेवाल हेयर। आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर एट एब्सेक वदिन कैंट। चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन। आज हमारा टॉपिक है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो व्हाट डज मीन बाय डाइल्यूट सॉल्यूशंस? Dilute solutions are those which contain relatively small amount of dissolved solute in solution. So dilute solution वो solutions होते हैं जिसमें जो solute की quantity होती है वो minute quantity में होती है या वो कम quantity में होती है, उस solution को हम कहते हैं dilute solution. So dilute solutions are those which contain relatively small amount of dissolved solute in solutions. The type of solution is considered or known as a dilute solution. Another type is concentrated solution. So what does mean by concentrated solution? So these are also understood by means of these terms. Concentrated solutions are those solutions which contain relatively large amount of dissolved solute in a solution. So dilute solution mein kya hota hai? जो हमारा सॉल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी रिलेटिवली स्मॉल होती है। वाइल इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है वो तमाम ज़्यादा होती है, मींस लार्ज अमाउंट में होती है। दैट्स व्हाई दैट सॉल्यूशन इज़ कंसीडर्ड एज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, ब्राइन इज़ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन अ वाटर। ब्राइन एक सॉल्यूशन होता है जिसमें साल्ट प्लस वाटर की जो है ना एक दूसरे का मिक्सर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो साल्ट की क्वांटिटी होती है वो तमाम ज़्यादा होती है। जैसे कि हम कहें भाई जो हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब हम बनाने जा रहे हैं ना, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है दैट्स आल्सो टाइप ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। दीज टर्म्स Describe the concentration of solution. Addition of more solvent will dilute the solution and its concentration decreases. जैसे ही हम जो है ना सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी? तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट की क्वांटिटी तो वो कांस्टेंट ही होगी जैसे कि। सो उसमें क्या है तो कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। सो बाई डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट द सॉल्यूशन विल बी एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच सिमल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इज प्रेजेंट, वाइल कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इज प्रेजेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ईच सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे कि पहले ही लेक्चर में मैंने समझाया था भाई सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट इट इज़ अ कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट, वाइल सॉल्वेंट इट इज़ अ कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। द सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट में एग्जिस्ट एज अ गैस। वो गैस भी हो सकते हैं क्योंकि ये जो मिक्सर ऑफ जो गैसेज हैं वो दैट्स आल्सो टाइप्स ऑफ द गैसेज मिक्सर और गैस सॉल्यूशन, लिक्विड और सॉलिड। So depending upon the nature of solute and solvent, different types of solution may form, which are given in table 6.1. This is a table 6.1 in which these all nine types of the solutions are given here. So solute is a gas and solvent is a gas. दोनों आपस में गैस मिक्सिंग कर रहे हैं तो एक टाइप का सॉल्यूशन बन रहा है, क्योंकि इसका जो फेस होता है वो होमोजीनियस फेस होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है सॉल्यूशन इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, आइदर इट इज़ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सो बोथ आर आफ्टर मिक्सिंग दे फॉर्म अ कंपोनेंट विच इज़ सेड टू बी एज अ सॉल्यूशन। सो एयर इट इज़ आल्सो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हीलियम इन वेदर, मिक्सचर ऑफ इट इज़ आल्सो मिक्सचर एयर इन विच देर आर नंबर ऑफ गैसेज प्रेजेंट। सो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बैलून्स जिसमें पड़ा होता है उसको भी हम मिक्स सॉल्यूशन कहते हैं। मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स फॉर द रेस्पायरेशन, दीज आर आल्सो टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। गैस एंड लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें जो है ना
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है या ऑक्सीजन वाटर में मौजूद होती है गैस, सो वो भी एक मिक्सचर है गैस लिक्विड। जब सॉल्यूट हमारा गैस होता है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होता है, और गैस सॉलिड, यहाँ पे सॉल्यूट गैस ही है, लेकिन सॉल्वेंट में तब्दीली आती जाती है। पहले सॉल्वेंट हमारा गैस था, दूसरे में लिक्विड और तीसरे में सॉलिड है। तो हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड पैलाडियम, जैसे कि ये जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक एटम्स या कोई वो, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड ऑन द पैलाडियम। पैलाडियम इट इज़ अ टाइप ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, वाइल हाइड्रोजन इट इज़ आल्सो गैस। सो जब वो एडसॉर्ब होती है तो एक टाइप का जो है ना सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम कहते हैं गैस सॉलिड सॉल्यूशन। अनदर टाइप इज़ लिक्विड गैस सॉल्यूशन, मिस्ट। मिस्ट में क्या होता है, गैस भी मौजूद होती है एंड जो है ना उसमें लिक्विड भी मौजूद होते हैं। सो जिसमें सॉल्यूट क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन सॉल्वेंट क्या होता है, गैस होता है, जो वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है। दूसरा फॉग, लिक्विड एयर पॉल्यूटेंट्स, ये जो पॉल्यूशन का एक लिक्विड एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसमें भी क्या होता है, जो सॉल्यूट लिक्विड होता है वाइल सॉल्वेंट हमारा गैस ही होता है। अनदर टाइप इज़ लिक्विड एंड लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टोलिन, बेंजीन इन टोलिन, बेंजीन इट इज़ आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइल टोलिन इज़ आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब आपस में मिलते हैं तो एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अल्कोहल इन वाटर, जब अल्कोहल वाटर में मिक्स करते हैं, होमोजीनियस उसका मिक्सचर होता है, मीन्स एक ही फेज में होते हैं, उसमें जो है ना बहुत जो कंपोनेंट होते हैं वो एक ही स्टेयर में होते हैं, लिक्विड लिक्विड में। अनदर इज जब सॉल्यूट हमारा लिक्विड होता है और सॉल्वेंट सॉलिड होता है, जस्ट जस्ट लाइक अ बटर चीज़ ईटीसी। सो द सेवेंथ वन इज़ जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड होता है और सॉल्वेंट गैस होता है, डस्ट पार्टिकल और स्मोक इन एयर, वो इट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस। जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड होता है और सॉल्वेंट लिक्विड होता है, शुगर इन वाटर जैसे कि, या साल्ट इन वाटर सिंपली। अनदर टाइप इज़ सॉलिड इन सॉलिड, बोथ आर सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है और सॉल्यूट भी सॉलिड होता है। तो मेटल एलॉयज जैसे कि ब्रोंस ब्रोंस ई टी सी, दीज आर आल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ दी व्हाट साल्ट साल्ट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट भी साल्ट होता है और सॉल्वेंट भी साल्ट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू एनी क्यूरी और क्वेश्चन, यू मे आस्क फ्रॉम मी ऑन माई पर्सनल नंबर। थैंक यू सो मच।